राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक ऐप बनाया था जो क्रोशी के अंदर बनाया था, अब हम इसको नीटिंग में बनाएंगे। काफ़ी कमेंट आए हैं कि मैं इसे नीटिंग में बनाना सिखाऊं। ठंड भी बहुत जल्दी और बहुत तेज़ पड़ रही है, तो ये इसका तो बहुत ज़रूरी है कान्हा जी के लिए। तो हम इसे नीटिंग में बनाएंगे, रेड और वाइट में बनाएंगे। ये हमने बनाया था 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए, अब हम अपने छोटे कान्हा जी के लिए बनाएंगे, यानी कि 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए। तो आप दो साइज हम एक साथ चलते हैं, तो इसलिए बीच का हम एक साइज रखते हैं। अगर आप बिल्कुल ही फिटिंग में चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक ही नंबर कान्हा, जैसे हम 0 नंबर कान्हा जी का मैं बनाती हूँ, तो वो 1 नंबर कान्हा जी को थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नाप का बनाती हूँ। अगर मैं 2 नंबर का लेके जाऊँगी तो बीच के फंदे हम डाल लेते हैं, जिससे कि दोनों को आ जाएँ। तो ऐसे हम 1 और 2 नंबर कान्हा जी का बनाएंगे, जिससे कि वो 1 नंबर कान्हा जी को थोड़ा लूज आ जाएगा, तो 2 नंबर कान्हा जी को अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। तो इस हिसाब में नीटिंग में हम बना रहे हैं, तो ये नेक का हिसाब लेके हम चलेंगे। अगर आपने नीटिंग में चोली बनाई है, कान्हा जी की कोई ड्रेस बनाई है, तो आप जितने फंदे आप नेक में लेते हैं, उससे 2 फंदे फालतू लेके आप चलेंगे। तो मान लीजिए अब हम 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। अगर मैं 0 नंबर कान्हा जी के लिए बनाती हूँ, तो 12 फंदों से शुरू करती हूँ, तो उसमें मैं 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कैप हम लूज़ बनाएंगे, तो 14 फंदों से बनाऊँगी। और 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए मैं 15 या 16 फंदे लेती हूँ, तो मान लीजिए हमने 16 फंदे ले लिए, तो हम 2 फंदे उसमें भी बढ़ा देंगे, यानी कि हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। तो 18 को हम 3 गुना ले लेंगे। ये देखें, ये हमारे, ये देखिए, मैं 2 फंदे गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए हमारे 18 फंदे। तो ये नेक के, तो ऐसे हम 3 बार लेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 फंदे मेरे बचे हैं। तो ये हमारे 3 गुना इस तरीके से होते हैं कि हमने 18 फंदे 3 बार ले लिए। तो बीच के तो हमारे जो जहाँ कैप बनेगा वो 18 फंदों का बनेगा, और ये पट्टी जैसे मैं बताती हूँ, ये आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 20-20 फंदे ले लिए, इसलिए ये मेरे 4 फंदे हैं। तो ये 4 आप और ज़्यादा बड़ा चाहते तो और ज़्यादा भी आप बड़ा कर सकते हो, यानी कि ये चीज़ जो है लंबाई, आप ज़्यादा बड़ी करना चाहें या छोटी करना चाहें, उस हिसाब से फंदे आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो इसमें मैंने 20 फंदे इधर लिए, 20 फंदे इधर लिए, और बीच में मेरे 18 फंदे हैं। अगर मैं चोली में डालती हूँ तो 16 फंदे डालती हूँ, 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। नीचे ऐसे लटकन से भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ चलेगी या सीधी सीधी, यानी कि दोनों तरफ से सेम सिलाई चलेगी। जो आपको इजी लगे बनानी, आप वो सिलाई बना लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, पूरी सिलाई हम इस तरीके से उतार लेंगे। आप इसमें 2 सिलाइयाँ बना लीजिए दोनों, ये देखिए मैं उल्टी उल्टी सिलाई बना रही हूँ, ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, तो पूरी सिलाई हम यहाँ तक इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। व्हाइट से हमने फंदे डाले थे और एक सिलाई हमने बना ली है। तो ये देखिए, सामने से ये हमारी पूरी उल्टी उल्टी सिलाई दिखाई दे रही होगी आपको, और ये हमारी सीधी साइड है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो यहाँ से हम अपना धागा चेंज करेंगे। तो एक तरह से हमारी ये जो आप देख सकते हो ऐसी बॉर्डर वाली, हमारा दोनों तरफ से हमारी उल्टी सिलाई बनेगी। बॉर्डर वाला जो डिज़ाइन होता है बच्चे के स्वेटर में डलता है, सेम वैसे ही चलेगा। तो हम जब भी धागा चेंज करेंगे तो उल्टी साइड से धागा चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना रेड कलर का धागा जो है लगा लेंगे, और जितनी चौड़ी आपको पट्टी बनानी है उतनी सिलाइयाँ आप बना लेंगे। तो ये छोटे से कान्हा जी हमारे 1 से 2 नंबर,
तो हम जो है ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं बनाएंगे। इस तरीके से देखिए धागा हम बांध लेंगे, क्योंकि ये हम क्रोशिया नहीं कर सकते, इसलिए हमने वाइट कलर के धागे से जो है ये दो सिलाइयाँ उतार ली। अब ये बीच का हिस्सा हम रेड बनाएंगे, तो ये आप अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा आपको चौड़ा पसंद है तो, पर उससे फिटिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए हमने ये सिर्फ चार सिलाइयाँ बनानी है, उसके बाद हम दो सिलाइयाँ वाइट की बनाएंगे। तो ये हम इस तरीके से इसको भी दोनों तरफ से देखिए उल्टी साइड से हमने चेंज किया। जब भी आप धागा अगर चेंज करते हो किसी भी स्वेटर में, तो उल्टी तरफ से आप चेंज कीजिएगा, उससे सीधी साइड में जो है, ये देखिए आप देख सकते हो ऐसे दो कलर शेड आ जाते हैं, ऐसे नहीं आएंगे, देखिए ये सीधी साइड हमारी। तो आप उल्टी उल्टी चार सिलाइयाँ उतार लीजिए दोनों तरफ से, इसी तरीके से हमारी सिलाइयाँ उतरेंगी। जैसे मैं सीधी तरफ से उतार रही थी, वैसे मैं उल्टी तरफ से उतार रही हूँ। तो ऐसी हम चार सिलाइयाँ रेड कलर की उतार लेते हैं। तो ये देखिए रेड की हमने चार सिलाइयाँ बना ली है, एक धारी हमारी ये देखिए दिखाई दे रही होगी, और आपको दो धारियाँ रेड की दिख रही होगी। जैसे कि मैंने बताया एक से दो नंबर काना जी के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा ये चौड़ी पट्टी नहीं रखेंगे। अभी हम दो सिलाइयाँ वाइट की बनाएंगे, तो ये हमारी दो नंबर काना जी तक जो है पट्टी चौड़ी अच्छी बन जाएगी। अगर आप इसे छोटे काना जी के लिए बना रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पर एक रेड, यानी कि दो वाइट, दो रेड और दो वाइट, इतनी बस पट्टी आपको बनानी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर धागा जो है अपना चेंज कर देंगे वाइट कलर से। ये देखिए हमारी उल्टी साइड है, यहाँ से आप दो सिलाइयाँ वाइट की इसी तरीके से उल्टी उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए अभी मैंने एक ही सिलाई बनाई है, जैसे मैंने अभी बताया था कि दो सिलाइयाँ, लेकिन हमें बीच में कैप बनाना है। तो अब यहाँ से हमारे फंदे बंद हो जाएंगे, और यहाँ से फंदे हमारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ बीच में हमारा जो है कैप के लिए इस तरीके से हमने बनाना है। तो इसी से हम वाइट से बंद करेंगे फंदे, 20 फंदे है कि हमने ये पट्टी बनाई थी, तो 20 फंदे हम यहाँ से बंद कर देंगे, 18 फंदे हम बीच में रखेंगे, और बाकी के बीच, सॉरी 20 फंदे हम बंद कर देंगे, और रेड कलर का धागा लगा कर बीच में अपना कैप बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड आ गई हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर फंदे बंद करना शुरू करूँगी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ये आपको पट्टी चौड़ी चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा सिलाई लगा लीजिए, सॉरी एक दो लाइनें एक्स्ट्रा बना सकते हैं, यानी कि ये जो दो लाइनें बनाई है आप तीन बना सकते हैं। और दूसरा, ये अगर आपको ज़्यादा 20 फंदों की पट्टी ज़्यादा लंबी है, आपको अगर छोटी चाहिए, तो आप जो है 18 18 18 इसी तरह, मतलब कि ये जो दो चार फंदे मैंने बढ़ाए हैं वो मत बढ़ाइए, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर भी 18, तो तीनों बराबर ले लीजिए। जैसे हम अच्छी तरह उड़ाना चाहते हैं पीछे पूरा गले पे, मतलब कि, तो इससे हमारी जो पट्टी थोड़ी सी बड़ी चाहिए होती है। जैसे ये हमारा स्कार्फ है, अगर मान लीजिए हम इस तरीके से बैक में डालते हैं, तो हमें थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से उड़ा के कान्हा जी को बैक में हमें अगर स्कार्फ डालते हैं, तो हमें लंबी चाहिए होती है पट्टी। इसलिए आपको जितनी लंबी बनानी है उतने फंदे आप नेक के अलावा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कैसे करना, हमने दो फंदे एक साथ बनाने उल्टी सिलाई पे, उल्टी पर ही हम बंद करेंगे। ये देखिए ऐसे एक फंदा हमारा कम हो गया, ये सिलाई में उल्टा डाला, फिर दो फंदे बनाए, दो फंदे हमारे हो गए। इस तरीके से आप गिनते गिनते 20 फंदे आपको घटाने हैं, ये तीन हो गए। जो फंदा हमारा सिलाई में आता है उसको हम दोबारा इसमें डाल देते हैं, और इस तरीके से चार हो गए। ऐसे हम जो है 20 फंदे घटा लेंगे। ये देखिए हमारी धारी भी बन गई है इसी तरीके की। तो ये देखिए हमने 20 फंदे घटा लिए हैं, तो ये हमारी पट्टी ये देखिए अलग से नज़र आ रही है, दोनों तरफ धारियां हो गई हमारी, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो। तो ये देखिए जैसे कि हमने इसमें बनाई थी, तो ये 20 फंदे हमने घटा लिए। जो भी आपके एक्स्ट्रा पट्टी की होंगी वो आपको घटाने हैं, सिर्फ नेक का आपको जो हिसाब है वो आपको रखने हैं। अब एक फंदा हमारा बीच में हम 18 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फंदे रखने हैं। एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये देखिए फिर एक बार गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नौ 18, ये 18 फंदे हमारे आ गए, और बाकी के ये हम फंदे सारे घटा देंगे। दो फंदे एक साथ लिए,
जैसे अभी ये किया था ऐसे दो फंदे एक साथ लिए, दो का एक किया, फिर सिलाई में उल्टा ले लिया, फिर दो का एक किया, इधर के हम सारे फंदे जो है घटा देंगे, बीच बीच के हमारे 18 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इधर के फंदे भी घट गए, इधर की भी पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई, बीच में हमारे 18 फंदे हैं। उल्टी साइड से हम रेड कलर का धागा लगाएंगे और कैप हमें कितना बड़ा बनाना है, यानी कि ये देखिए ये जो चीज़ है ये हमें कितनी बड़ी बनानी है, जितना हमारा नीचे उतना ही हम ऊपर बना लेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। लेकिन अगर आपको लूज में बनाना है तो आप दो सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बना लीजिए। ये देखिए दो वाइट की हैं और चार हमारी रेड की है, दो यानी कि 8 सिलाइयाँ हमारी टोटल हैं। देखिए 1 2 3 4 धारियाँ, तो इसका मतलब 8 सिलाइयाँ हमारी है, तो आप ऊपर 10 सिलाइयाँ बना लीजिए, यानी कि इस तरीके की रेड कलर की धारियाँ 5 बना लेंगे हम, तो 10 सिलाइयाँ हमारी बनेंगी। तो रेड कलर का धागा हम यहाँ से उल्टी तरफ से लगा लेंगे और 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए रेड कलर का धागा हम लगा लेते हैं, इसको इस तरीके से खींच लेंगे और ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, इस धागे को हम इस तरीके से दबा देंगे बीच में, जिससे कि ये अच्छे से पक्का हो जाए और लटकता नहीं रहे। ये देखिए ऐसे ही बनाया और फिर ये हमने धागा आगे की तरफ कर दिया। तो इस तरीके से हम 8 सिलाइयाँ, जैसे मैंने बताया 10 सिलाइयाँ हम रेड कलर की बना लेंगे, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनेगी। तो देखिए हम इसको इस तरीके से दबाते जा रहे हैं, चाहे तो आप दो दो फंदों के बाद इसको इस तरीके से दबा दीजिए। तो हम 8 सिलाइयाँ ऐसे बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमारी ये सीधी साइड है, यहाँ से हम धारियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4 5, जब इस तरीके से 5 हो जाएगी अब हम उल्टी तरफ आएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 है, ये देखिए 1 2 3 4, और सीधी तरफ हमारी जब 5 हो जाएगी और जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो हमें आधे आधे फंदे कर देने, जैसे 18 फंदे हैं तो सिर्फ हम 9 फंदे ही बुनेंगे और इसको बंद करेंगे। और एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने बताया हम दो नंबर साइज बना रहे हैं, यानी कि 1 से 2, तो 2 को तो बहुत ही सही फिटिंग आएगी, 1 को ही थोड़ा सा लूज आ सकता है। तो अगर आप बिल्कुल 1 नंबर को भी आप बिल्कुल अच्छे से फिटिंग में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1 2 3 4 धारियाँ बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर 18 फंदों की जगह आप 16 फंदे ले लीजिए और पट्टी आप बेशक इतनी ही बना लीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको अपने ऊन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, किसी का हाथ ज़्यादा लूज होता है, किसी का टाइट होता है, या किसी की ऊन मोटी ज़्यादा लगा लेते हैं। ये मैं 11 नंबर पे बना रही हूँ, अगर आपको और भी छोटे कान्हा जी का बनाना है तो आप बेशक 12 नंबर से और बारीक ऊन से आप बना सकते हैं, तो बहुत सुंदर फिटिंग आएगी। तो ये देखिए अब हम 9 फंदे यानी कि आधे फंदे बनाएंगे और तीसरी सिलाई से हम इसको बंद करेंगे। एक हमने सिलाई में ले लिया बिना बुना, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 इधर हो गए, ये उल्टी साइड हमने बनाए। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे सिलाई को, ये देखिए, और यहाँ से दोनों फंदों को हम बंद करेंगे तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई यूज़ करेंगे, तो देखिए तीसरी सिलाई ले ली हमने, ये देखिए पीछे का फंदा लिया, ये देखिए ये जो पीछे का है, एक फंदा इसका लिया और एक आगे का लिया इसी तरीके से, और इसको बुन लिया हमने ऐसे। देखिए ये दोनों फंदे लिए, एक पीछे सिलाई का एक आगे का, और ऐसे हमने इसको उल्टा बना के दोनों फंदे बाहर निकाल देने हैं। फिर से एक पीछे वाली सिलाई का एक आगे वाली सिलाई का, 2 फंदे लिए, उल्टा बनाया और दोनों फंदों को सिलाई में से निकाल दिया। अब इस सिलाई में हमारे 2 रह गए, तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से हमने पलट देना, जैसे हम बंद करते हैं इसी तरीके से हम इन सारे फंदे जो है बंद कर देने हैं। ये देखिए 2 फंदे बुने, दोनों को सिलाई से निकाल दिया और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। तो
तो ऐसे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए, जब हमारी सिलाई में एक फंदा रह जाएगा तो इसको हमने धागे को काट देना है और सिलाई को बाहर निकाल देना है और इसके अंदर से इस तरीके से धागे को लेके ये हमारा हुआ बंद। ये देखिए, इसको हम उल्टा करेंगे, सॉरी सीधा करेंगे, तो ये हमारा कैप, ये जो धागा है हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कैप बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर हम छोटा सा पम पम लगाएंगे तो छोटा सा हमारा कैप बना है, देखिए 2 नंबर कान्हा जी के लिए। यहाँ पर हम इसी तरीके से चाहे तो लटकन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम छोटे छोटे 2 पम पम लगा सकते हैं और एक इधर। तो ये हमने उंगली से बनाया था, इसको हम किसी मोटी सिलाई से, छोटा सा हमने पम पम बनाना है तो किसी मोटी सिलाई पर इसी तरीके से ऊन को लपेट के, जैसे हमने इधर इस कैप में बनाया था, सेम हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर नीटिंग में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से आप जो है कैप बना लीजिए। ये देखिए, जैसे इसमें हमने लेस बनाई है, अगर आपको ऐसी लेस यहाँ पर भी चाहिए तो आप किसी से क्रोशिया से बनवा सकते हैं अगर आपको नहीं आती, नहीं तो ये अपने आप में भी इसी तरीके से बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, आप इस तरीके से कान्हा जी को जब उड़ाएंगे तो ये देखिए ऐसे आएगा। तो यहाँ पर पहले हम पम्पम लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से, चाहे तो आप जैसे रेड के नीचे रेड लगा लीजिए, वाइट के नीचे वाइट, ये सारी आप वाइट लगा सकते हैं इसी तरीके से। तो इसमें हम थोड़ा साइज छोटा लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने इस पीस छोटा सा पम्पम लगा दिया, देखिए बहुत छोटा सा बनाया है। जब आप पम्पम बनाते हो, कटिंग करते हो, तो छोटा छोटा कटिंग करते करते अपने आप बड़ा या छोटा इसको बना सकते हो साइज के हिसाब से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने छोटी छोटी लटकन लगा दिए, ये सिर्फ हम धागे हैं जो 2-2 धागे लेके हम इस तरीके से बांध देते हैं। तो ये साइज़ के हिसाब से आपको लंबी या छोटी करनी है। तो ये देखिए, हमारा छोटा सा कैप बनके बिल्कुल सेम जैसे हमने नीटिंग बनाया बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमारा बड़ा साइज़ था 5 से 6, तो आप देख सकते हो दोनों साइज में कितना फ़र्क है। ये हमारा 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट साइज बनाना चाहते तो 1 नंबर का तो 2 फंदे कम कर लीजिए, नहीं तो ये देखिए इस तरीके से कान्हा जी को आप उड़ाएंगे, कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर लगेगा ये। अभी मेरे पास इतना छोटा मतलब कि डॉल भी नहीं है जिसे मैं पहना के दिखा सकूं, और कान्हा जी ये मेरे मंदिर में 2 नंबर कान्हा जी हैं, तो वहीं पर मैं इनको पहना के आऊँगी। तो ये देखिए, दोनों साइज हमने बना लिए हैं। जिनको क्रोशिया आता है वो क्रोशिया से बनाइए, जिनको नेटिंग आती है वो नेटिंग से बनाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे।